हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ टिस्टा, सभी को मेरी प्यारी भरी नमस्ते। आज मैं आप लोगों को जिस फ्लावर दिखा रही हूँ, इस फ्लावर की नेम मुझे मालूम नहीं है, कोई जानती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पर। लेकिन इस प्लांट को कैसा केयर चाहिए उस बात मैं आप लोगों को ज़रूर बोल सकती हूँ। उसको ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, इजी टू ग्रो, बहुत ही आसानी से उसको आप ग्रो कर सकती है कटिंग से। एक छोटी सी हिस्सा आप लगाने से इजी से रूट आ जाएगी। बिना रूटिंग हार्मोन पाउडर से ही आप उसको लगा सकती है। अभी विंटर आ गई है और ऐसे ही अलग अलग फ्लावर मेरी गार्डन में ब्लूम हो रही है। बहुत सारा फूल खिल रही है अभी, लेकिन मैं उसको मेरी टेरेस गार्डन में रखती हूँ। उसको धूप में है अभी, विंटर सीजन में ब्लूम होती है, लेकिन उसको खाद भी ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने उसको इसमें ऑर्गेनिक खाद दिया है। आप काउडंग नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसको। मैंने दिन में डेली 3 टाइम्स पानी देती हूँ इसमें। एक टाइम पानी नहीं देते ही और सूख जाती है। कभी कभी मैं मुझे टाइम नहीं मिलती है उसको पानी देने में, तब उस दिन वो सूख जाती है। मैंने उसको सिर्फ पानी ही देती रहती हूँ और दूसरी केयर नहीं लेती हूँ, लेकिन बहुत जल फैल गया है पॉट में। 2 पॉट में इस प्लांट में लगा के रखा हूँ। और भी है मेरे पास, लेकिन मैंने उसको सिर्फ 2 ही प्लांट पॉट में लगा के रखा है और बहुत ज़्यादा फैल गई है। बहुत इमीडिएट सारा पॉट को घेर लिया है, आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत से ब्लूम हो रही है। 1 हफ्ता पहले ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अभी 2-3 वीक हो गई है। मैंने आज ही वीडियो शूट कर रही हूँ। आप उसको आसानी से ग्रो कीजिए। एक छोटी सी एक हिस्सा और बहुत जल्दी रूट आती है और पानी ज़्यादा चाहिए। धूप में रखिए, ज़्यादा फूल खिलती है। मैंने एक फ्रेंड के घर से उसको लेके आया था और आज मुझे इतनी खूबसूरत फ्लावर मिल गई है। आप मुझे गार्डनिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकती है। विंटर सीजन में बहुत अलग अलग फ्लावर ब्लूम होती है, फ्लावरिंग आती है और आपका गार्डन फूलों से भर जाती है, मन में खुशी आती है सभी को। और विंटर सीजन में लगाने के लिए और भी अलग अलग फ्लावर मुझे ग्रो करना है, मुझे टाइम ही नहीं मिला है आपको सभी फ्लावर को दिखाने के लिए। पंचवटिया, हिबिस्कस भी बहुत सारा फूल खिली ही है, एक जरा, लेकिन टेरेस गार्डन में बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है। हिबिस्कस, जिस हिबिस्कस मेरे पास है वो देखने के लिए रोज़ जैसी आपको दिखा रही हूँ। बहुत दिन से वो फूल खिल रही है और मैंने इस प्लांट को कोई भी वीडियो नहीं बनाया है आज तक।
दूसरी आज के लिए नमस्कार, फिर मिलूंगी न्यू फ्लावर लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।